हिमालय की दुर्गम परिस्थितियों में भी निरोगी बने रहने के लिए तिब्बतियों द्वारा सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो क्या कुछ है खास इस चिकित्सा पद्धति में और हमारे देश की सरकार इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रही है, इसकी पूरी चर्चा हमने की डॉक्टर पद्मा से जो लद्दाख से ग्वालियर आज आए हुए हैं। हमारे देश में ऐसी तमाम चिकित्सा पद्धतियां हैं जो काफी प्रभावी हैं, लेकिन इतिहास में कहीं ना कहीं दब गई है या आज उनको इतना प्रचार प्रसार नहीं मिल रहा है, जबकि उन पद्धतियों का ये उपयोग है कि वो बिल्कुल जड़ से चीजों को हटा देती हैं। तो ऐसे ही हिमालयन क्षेत्र में एक चिकित्सा पद्धति संचालित है सोवा रिगपा, और हमारे साथ है डॉक्टर पद्मा गुरमीत जो हमें इस सोवा रिगपा पद्धति के बारे में पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ? सोवा रिगपा भारत की वो चिकित्सा परंपरा है, परंतु जू जू भारत के मुख्य क्षेत्रों से बहुत प्रभाव कम हुआ, ये चिकित्सा पद्धति भी धीरे धीरे लुप्त हुआ। परंतु उसी समय में तिब्बत और अन्य हिमालय के क्षेत्रों से लोगों में आके इसके जितने भी धर्म ग्रंथ है उसका अनुवाद किया और ले जाके हिमालय क्षेत्र में इसको स्थापित करके वहाँ के विशेष जो जड़ी बूटी है उसको भी उसको सम्मिलित करके एक नई चिकित्सा पद्धति की स्वरूप दी। तो मुख्यतः ये चिकित्सा पद्धति हिमालय के जो जड़ी बूटियों के प्रयोग में निपुण है, और साथ में ये जितना भी बौद्ध धर्म दर्शन को और बौद्ध जैसे विद्याओं को फॉलो करके एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। बौद्ध धर्म के जो चिकित्सा जो ओरिजिन है वहाँ से इस चिकित्सा पद्धति का जो है शुरुआत हुई है, और हिमालयन जड़ी बूटियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी कुछ विशेष जड़ी बूटी या ऐसा कुछ विशेष इलाज जो इस सोवा रिगपा पद्धति के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक किया गया हो, कुछ उदाहरण है सर? बहुत सारे ऐसे रोग है जिसका विशेषकर इस चिकित्सा पद्धति में प्रयोग किया जाता है। विशेषकर अपनी जड़ी बूटियों के बारे में पूछा, कुछ जड़ी बूटियों का तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया था। उसमें एक चिकित्सा जड़ी बूटी है जिसको फॉलो के नाम से है, उन्होंने संजीवनी का संज्ञान दिया था। तो लद्दाख में संजीवनी बूटी है क्योंकि उस जड़ी बूटी में ऐसी क्षमता है जो आपके मानसिक विकार के साथ शारीरिक विकार को भी ठीक कर सकता है। विशेषकर जो हमारे हाई एल्टीट्यूड में जो लोग जाते हैं उनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, उसको कैटर करने में ये काम में आती है। साथ में ये केवल एक या दो ग्रोप के विशेषता वाली पद्धति नहीं है, ये एक पूर्णता चिकित्सा पद्धति है जो एक कंप्लीट आपके लिए जीवन शैली है। वे टू लीड है हेल्दी वे ऑफ लाइफ, तो आपके जीवन कैसे जीना है उसके लिए एक फुल फ्लेज मैंने सिस्टम है, और पद्धति में आज के बहुत सारे असाध्य रोगों का भी चिकित्सा अच्छे से होता है करके बहुत सारे लोग स्वरिका की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कैंसर जैसे रोग भी शामिल है। तो कैंसर जैसे रोग हैं उनका भी, जो असाध्य रोग है उनका भी इलाज होता है, और ये सोवा रिगपा के जितना आके लद्दाख में या हिमालयन क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसे केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर विशेष रूप से इसी पद्धति से इलाज होता है? सबसे पहले तो इसमें परम पूज्य दलाई लामा जी ने एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक कार्यक्रम शुरू किया था। उन्होंने जब वो पलायन करके तिब्बत से अपने भारत में आए, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने मनसिखा नाम से एक संस्था स्थापित की, जिसके द्वारा एक तो अध्यापन का कार्यक्रम, दूसरा चिकित्सा, तीसरा वहाँ के द्वारा जितना भी हमारे औषधि उसका निर्माण के लिए एक संस्था की उसका निर्माण किया। तो धर्मशाला आज हमारे स्वरिका चिकित्सा पद्धति का एक मुख्य केंद्र है, उसके साथ में उसकी ब्रांचेज अभी देश के अधिकतर बड़े नगरों में आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। तो ये पद्धति आपको कहीं भी दिल्ली जैसे मुंबई जैसे जगहों में भी आराम से चिकित्सा आपको मिल सकती है। तो देखिए सोवा रिगपा जो है उसका मुख्य केंद्र धर्मशाला है, जहाँ दलाई लामा का निवास भी है, वहीं से वो संचालित करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी एक बात जो डॉक्टर पद्मा बता रहे हैं कि जिस तरह से बुद्धिज्म कम हुआ
उसी के साथ साथ ये सोवा रिगपा पद्धति भी भारत में कम होती जा रही है। अभी एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार कुछ प्रयास कर रही है इस पद्धति को और बढ़ाने के लिए? सबसे बड़ा प्रयास तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कि लद्दाख में हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान फॉर्म किया है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा के नाम से। उस संस्थान का मैंडेट में एक तो शिक्षण है जिसमें आपके अभी हमने यूजी का कार्यक्रम, अंडर ग्रेजुएट का स्टडी का कार्यक्रम पहले से शुरू किया है, साथ में शोध का कार्यक्रम बहुत सारे संस्थानों के साथ मिलकर शोध कार्यक्रम, और तीसरे जो है हम लोग वहाँ अभी चिकित्सा भी प्रदान करते हैं। तो ये मुख्य प्रधानमंत्री जी का ये क्या कहते हैं ये निर्देश है कि ये संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान का संस्थान होनी चाहिए जहाँ केवल भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में अध्ययन करने के लिए और चिकित्सा के लिए आनी चाहिए, ऐसा उनका निर्देश है। कहाँ पर है ये? लेह लद्दाख में। तो देखिए, सरकार भी प्रयासरत है कि सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को कैसे भी जो है वो आगे मुख्य धारा में लाया जाए, उसका लाभ देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग उठा पाएं, और इसके लिए एक राजकीय संस्थान भी लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो यदि किसी को भी ऐसा रुचि है कि सोवा रिगपा के माध्यम से, हिमालयन जड़ी बूटियों के माध्यम से जिस तरीके से चिकित्सा सेवाएं रहती हैं और लोगों का इलाज होता है उसका ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो संस्था उपलब्ध है। और ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो अभी लुप्त प्राय होती जा रही थी, लेकिन इसको फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।